हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आरशी और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें मैं बात करने वाली हूँ ट्रैवलर्स के लिए, जिसमें आप यूरोप में घूमने अगर आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम नए होते हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता होता यहाँ पे क्या कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, तो आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, डू नॉट क्रॉस रेड लाइट। जब भी आप एज ए पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट पे हैं, ग्रीन सिग्नल आने पे ही क्रॉस कीजिए। रेड सिग्नल पे क्रॉस करने पे आपको यहाँ के जर्मन लोग सुना देंगे अच्छे से, एजुकेट करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे ने देख लिया आपको रेड लाइट क्रॉस करते हुए, तो उस पर गलत असर पड़ता है। ये भी यहाँ के लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, वो हैवी फाइन लग सकता है। अगर आपके पास बाइसिकल है और आप बाइसिकल के साथ में रेड लाइट पे क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको हैवी फाइन के साथ पनिशमेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, जो कि एक लिमिटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नाजी सिंबल। जर्मनी में नाजी सिंबल या फिर सैल्यूट प्रोहिबिटेड है, इलीगल है। अगर कोई भी यहाँ पे वो सिंबल को यूज़ करता है या फिर सल्यूट करता है उस तरीके का, तो उसको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है और बहुत ही हैवीली चार्ज किया जा सकता है, फाइन बहुत ही ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई टैटू है जो कि रिजेंबल करता है नाजी सिंबल से, जैसे कि इंडिया में हम स्वास्तिक निशान यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही रिलीजियस बिलीफ में आता है, तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो या तो उस टैटू को छुपा दें या फिर उसको हटवा दें। जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट सूटेड है आप वो कीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर दें कि ये मेरा एक रिलीजियस सिंबल है, इसका कोई लेना देना नहीं है नाजी सिंबल से, जिससे वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें कि आप क्लियर हैं इस मैटर में, तो आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा पाएँ। मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक कोई यूरोपियन यूनियन का ही कोई एक पर्सन था जिसके पास डॉग था, उसने अपने डॉग को सल्यूट करना सिखाया और वो कहीं ना कहीं मैच करता था नाजी सल्यूट से, तो उसके लिए उसको सज़ा हो गई और बहुत ही हैवी चार्ज हुआ उस पर। नंबर थ्री रिलेटेड टू रिसाइकलिंग। जर्मनी में आपको पता ही होगा, अगर आप जर्मनी के बारे में थोड़ा भी पढ़ते हैं, तो रिसाइकलिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बात करी है कि यहाँ पे हर वेस्ट को डिस्पोज करने के अलग अलग बिन्स होते हैं, सेग्रीगेट करके आपको डिस्पोज करना होता है। इंडिया में भी अब हम फॉलो करने लग गए हैं, अलग अलग तरीके के बिन्स आने लग गए हैं, तो उस तरीके से ही यहाँ पे भी, जैसे कि बायो वेस्ट के लिए अलग बिन है, पेपर के लिए अलग बिन है, प्लास्टिक के लिए अलग है, मेटल के लिए अलग है, बहुत ही ज़्यादा टाइप के बिन्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, कौन सा कैसे डिस्पोज करना है आपको, तो आपको हमेशा सही जगह पे ही डिस्पोज करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि जो इकट्ठा हुआ कचरा है वो कहाँ जाएगा, तो उसको वैसे ही रहने दें, लेकिन करें सही जगह पे ही डिस्पोज। अगर आप बायो वेस्ट में कोई भी प्लास्टिक डाल देते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है पंचुअलिटी से रिलेटेड। जर्मन्स बहुत ही पंचुअल होते हैं, वो बहुत ही रूल्स को भी फॉलो करने वाले होते हैं और बिल्कुल टाइम पे आने वाले होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और स्पेशली बिजनेस मीट के लिए या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी अपने प्रोफेसर को लेट ना करवाइए, कभी भी किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं तो बाकी लोगों को वेट ना करवाइए, बहुत ही गलत इम्प्रेशन पड़ता है इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बाइसिकल लेन। जर्मनी में जब आप वॉक करते हैं तो उसके लिए पेडेस्ट्रियन लेन होती है और बाइसिकल चलाने वालों के लिए बाइसिकल लेन होती है। कभी भी पेडेस्ट्रियन लेन को छोड़ के बाइसिकल लेन में वॉक करना शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि बाइसिकल वाले बहुत ही फास्ट चलाते हुए आते हैं और उनको लगता है आप रास्ते में कोई आ ही नहीं सकता, कोई भी वॉक कर ही नहीं रह सकता, क्योंकि सब यहाँ पर फॉलो करते हैं रूल्स को, तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं अगर आप गलती से भी बाइसिकल लेन में वॉक करते हैं। तो जर्मन आपको एजुकेट करने का मौका तो छोड़ेंगे नहीं, तो अगर आप बाई चांस पेडेस्ट्रियन लेन में वॉक कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको एजुकेट ज़रूर कर देगा कि आप ऐसी जगह क्यों वॉक कर रहे हैं,
और ये तरीका रूड भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एड्रेसिंग स्ट्रेंजर। यहाँ पे आप जब भी किसी से पहली बार मिल रहे हैं, इनिशियल फेज में मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम पे भी मिल रहे हैं, तो आप उनको उनके नाम से, फर्स्ट नेम से नहीं बुलाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इनफॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे आप उनको बुलाओगे मिस्टर या मिसेस, जो भी ये इनिशियल्स लगते हैं। यहाँ पे हेयर या फिर फ्राउ यूज़ करते हैं। फ्राउ होता है लड़कियों के लिए और हेयर होता है लड़कों के लिए। तो उनका फर्स्ट ये इनिशियल यूज़ करके उसके बाद में आप उनका लास्ट नेम यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर म्यूलर या फिर फ्राउ बर्गर, जो भी उनका सरनेम होता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैं आपको किस तरीके से एड्रेस करूं, ये भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हो तो ऑफ कोर्स तब तो आप फर्स्ट नेम ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट थ्रो आउट बॉटल्स। जर्मनी में जब भी आप कुछ भी जैसे ख़रीदते हैं, आप प्लास्टिक बॉटल में ख़रीदते हैं या फिर ग्लास बॉटल में ख़रीदते हैं, कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या पानी हो गया, है ना, तो उसको आप डिस्पोज कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको हर चीज़ को डिस्पोज करना होता है। तो प्लास्टिक बॉटल्स या फिर ग्लास बॉटल्स में बहुत सारी, तो सभी ग्लास बॉटल्स में तो फेंथ नहीं होता। फेंथ होता है कि बॉटल्स या फिर प्लास्टिक पे कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जब भी आप उसको परचेज करते हैं, और जब भी आप उसको रिटर्न करते हैं तो वो पैसे वापस मिलते हैं, और नहीं रिटर्न करते हैं तो वो कुछ अमाउंट चला जाता है। यहाँ पे वो 25 सेंट के अराउंड है। तो जब भी आप कोई भी प्लास्टिक या फिर ग्लास बॉटल, उसके ऊपर एक साइन बना हुआ होता है, जो कि मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी उसकी, तो वो आप देखिए, अगर उस पर ये साइन बना हुआ है तो आपको ये डिस्पोज करनी है। जो पास में सुपरमार्केट है या फिर कोई भी सुपर स्टोर है, तो वहाँ पे एक जोन होता है जहाँ पे आप प्लास्टिक डिस्पोज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको डिस्पोज करनी है, आपको वो पैसे वापस से मिल जाते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं सुपरमार्केट से कुछ भी परचेज करने के लिए। और अगर ग्लास बॉटल्स आप यूज़ करते हैं तो उसको भी डिस्पोज करने का अलग बिन्स बने हुए होते हैं, जैसे कि ग्रीन बॉटल्स के लिए अलग है, ट्रांसपेरेंट के लिए अलग है, वाइट के लिए अलग है, मतलब हर कलर के अकॉर्डिंग उसके अलग डिस्पोजल है। ये जो फेंथ वाला सिस्टम है, ये गवर्नमेंट ने रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये किसी ना किसी वे में यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट एंट्रिंग अ होम विथ शूज़। अगर आप किसी भी जर्मन के घर में जाते हैं गेस्ट बन के, तो हमेशा अपने जूते बाहर उतारिए, या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने शूज़ अंदर लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ पे ऐसा होता है, आप शूज़ अंदर नहीं लेके जाते हैं, और वो जो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो आपको दूसरे स्लीपर्स दे देते हैं घर में यूज़ करने के लिए। और एक ये अनरिटन रूल है कि जब भी आप गेस्ट बन के किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाइए, कुछ ना कुछ लेके चले जाइए। फ्लावर्स लेके जा सकते हैं या फिर कुछ भी खाने पीने की चीज़ लेके जा सकते हैं। जैसे इंडिया में भी हम खाली हाथ तो किसी के घर जाते नहीं हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट है टिकट से रिलेटेड। जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बसेस, ट्रैम्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, टिकट ले जाना ना भूलिए, टिकट ज़रूर खरीदिए। और टिकट खरीदना ही इनफ नहीं है, जब भी आप बस में चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक मशीन होती है वैलिडेशन की। जब आप अपने टिकट को वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो वैलिडेट हो जाता है कि इस टाइम से लेके आधे घंटे तक या फिर एक घंटे तक, जो भी उसका टाइम लिमिट होता है, कि ये आप यूज़ कर रहे हैं। ट्रैवलिंग विदाउट वैलिडेटिंग योर टिकट इज़ इक्वल्स टू ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, यानी कि वैलिडेट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो कोई चेक ही नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो लोग चेक करने वाले होते हैं नेक्स्ट स्टॉप या फिर अगले स्टॉप पे आ जाते हैं, और वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चेक करने के लिए आए हैं, और फिर वो स्टार्ट कर देते चेक करना अचानक से। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो 70 यूरो तक का फ़ाइन लग सकता है। अगर आप ये गलतियाँ बार बार करते हैं टिकट ना लेने की और विदाउट वैलिडेशन के लिए चलने की, तो उस पे जो फाइन है ये बढ़ता चला जाता है हर बार की गलती पे। लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू बीइंग लाउड। जर्मनी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप लाउड हो सकते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ मार्केट प्लेस पे लाउड होना ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब शांत बैठे हुए होते हैं, या फिर कुछ बोलते भी हैं तो बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में बोलते हैं। तो आप अगर अलग से बस में फ़ोन पे बात करते हुए दिखते हैं, या फिर ड्राइवर खुद ही आपको बता देगा, आपको बोल देगा कि आप प्लीज़
या तो फ़ोन को बंद कर दीजिए या फिर बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में बात कीजिए, क्योंकि कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बहुत ही लाउड या फिर बहुत ही तेज़ ऊपर नॉइज़ में बात करनी है तो आप इटली या स्पेन जा सकते हैं, वहाँ पर सब चिल आउट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।